अस्सलाम वालेकुम। जिस जिसने C9 करना है, ये रेसिपी उसके लिए है। ये लाइक जब आप स्नैक आपका दिल करे लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद लेने के लिए, तो ये मैं 2 स्वीट पोटैटो लूँगी। ये 2 लोगों के लिए एक्चुअली, लेकिन मैं दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाऊँगी इसको। मैं पील करूँगी फिर उसको दिखाती हूँ। चलें जी, मैंने इस तरह देखें ये थिन थिन स्लाइस मैंने इसके काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटने। और इसमें मैं अब डालूँगी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, और ये चीज़ इसका स्पाइस का इस्तेमाल होगा। कास्को से अवेलेबल है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप हल्का सा नमक मिर्च मसाला चाट मसाला लगा लें, लेमन लगा लें, दस से दस ऑल, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें, ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्का सा बस स्प्रिंकल करना, ज़्यादा नहीं डालेगा ऑयल। ठीक है, पता नहीं नज़र भी आया कि नहीं, थोड़ा सा डालेगा। अब इसमें थोड़ी सी मैं ये स्पाइस जो है ना स्प्रिंकल करूँगी। इसके बाद आपने किसी किस्म का कोई मसाला, कोई नमक, कोई मिर्च नहीं डालनी। इसको हम करेंगे हाथ से मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छा सा मिक्स डाल करेंगे। तो इसको हम डालते रखते हैं इसमें एयर फ्रायर में। चलें जी, ये मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया, तो ये जाएगा इसमें साथ में। इसका ये मैं रोस्ट पे डालूँगी, इसकी हीट रखूँगी फुल 400 पे, और मिनट लगाऊंगी मैं इसके टोटल 10। ठीक है, साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। पहले बन गए तो पहले निकाल लेंगे, और जिसके पास एयर फ्रायर नहीं है वो ओवन में बना लें, जिसके पास ओवन नहीं है वो स्टीम करके इस तरह ऊपर लेमन नमक मिर्च डाल के खाते हैं वैसे डाल लें, खा लें किसी तरीके से भी खा लो, ये एक फिलर है। ठीक है, C9 करने वाले हों या जो भी डाइट करने वाले लोग, ज़रूरी नहीं C9 करें, जो भी डाइट करने वाली गर्ल्स हैं वो ये बहुत बेस्ट फिलर है आपके लिए, ज़बरदस्त लो कैलरीज। चलिए जी, देखें 5 मिनट हो गया और 5 मिनट रह गया, तो लेकिन चेक करते हैं देखने में। माशाल्लाह एक साइड हो गई है, तो अब हम इसको थोड़ा सा कल्टी पल्टी करते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाए। चलिए जी, देखते हैं, मुझे लगता है बन गया, खुशबू आ गई हुई है, खुशबू आ गई है बल्कि। ये देख लें, ज़बरदस्त हो गया, ये बन गया। अगर आप इससे ज़्यादा कर दें क्रंची तो और भी कर सकते हैं, मगर मुझे इतने ठीक है। चलें जी, ये हमारी चिप्स हो गए रेडी, तो आप भी बनाएं और खाएं। और साथ मैंने इन 3 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो ये भी थोड़े थोड़े खाएंगे, तो साथ मैं भी खाऊंगी। तो ये बहुत अच्छे हैं, जिसके पास ये वाली कास्को से स्पाइसेस नहीं है वो आप अपने घर की चाट मसाला डालें, लेमन डालें, नमक मिर्च डालें, दस से दस साल। और मगर जो कास्को में यहाँ इन मुल्कों में हैं, कास्को में जा सकते हैं, और जिसने ये स्पाइस नहीं बाय की, कुछ नहीं बाय किया, तो आप प्लीज़ बाय करें, बनाएं और मुझे फीडबैक की दीजिए।